क्लास 3 महीना करके देखे, एक भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया। अब्दुल्ला सर बकबकाते बहुत है, बोलते बहुत है, काम एक पैसे का नहीं करता। अरे भैया काम तब होगा जब आप सीरियस लेंगे, हमें क्या, हमें तो आपने फीस दे दिया है, हमारा तो वहीं तक काम खत्म होगा। अगर मैं बिजनेस लॉजिक से सोचूं तो, एज ए टीचर सोच रहा हूं तब कह रहा हूं, यू हैव टू कम हियर डेली, आपको डेली आना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आई एम सेइंग कि कॉम्पिटिशन को बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए। मैंने क्या कहा था कि हो सकता है, अब देखिए हम जानते थे कि राहुल अच्छा बोलते हैं, उस दिन राहुल नहीं बोल पाए, साहिल बोल दिया। आप समझिए जरा, राहुल और साहिल का एक आपस में कॉम्पिटिशन नहीं है, देखा जाए तो रियल लाइफ में नो कॉम्पिटिशन, लेकिन उस दिन ही स्पोक बेटर। तो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऐसे पीछे चले जाओगे आप। यूपीएससी करना है आपको, करना है आगे, कितने लाख अटेम्प्ट जाते हैं पता है, कितने लाख लोग बैठते हैं प्री एग्जामिनेशन में, मोर देन 10 लाख। और कितने क्वालिफाई करते हैं इंटरव्यू में जाके, 1100 1150 1200 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
अंडरस्टैंड दैट अब मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों का, कह सकता हूँ ये आके यहाँ गाना बजाना चालू कर दिया भाई, अभी क्लास में गाना क्या बजा रहे हैं यहाँ पे, स्पीकर रखा हुआ है तुम्हें गाना बजाने के लिए रखा हुआ है, नाचने के लिए रखा हुआ है, जब नाच वाला दिन आए तो नाचो, आ गए पहले ही मूड सबका खराब कर दोगे। ओके गाइस वी आर हियर फॉर फन हैप्पीनेस, में मजा करेंगे, बोल भाई क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे वही करो दिन रात राइट। आपके अंदर एकदम टॉप लेवल का इंप्रूवमेंट आ जाए, मैं आपके साथ रोज नाचूंगा, बोलो अभी पूजा कहते पूजा के साथ मैं नाचूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्यों पूजा ने जीता है उसका हक बनता है वो नाचे, दीक्षिका का हक बनता है नाचे, आपका हक बनता ही नहीं हैप्पीनेस में आप नाचे, कैसे आप नाच सकते हैं, आपका हक ही नहीं है नाचना। चलो यार गुस्सा ये लोग बताओ, ये आज तक हिस्ट्री है इसने एक भी कंपटीशन अटेंड नहीं किया, एक भी कंपटीशन नहीं, तो कंपटीशन नहीं अटेंड। अब दीक्षिका का पहले क्या था, दीक्षिका अगर आपने पहले वीडियो इनका जाके देखी आप तो पूरा हाथ कांप रहा था, पूरा हाथ ऐसे आती थी गुड मॉर्निंग में ऐसे ऐसे हाथ करता था, वही लड़की थर्ड आई है, लड़की ने मेहनत किया तब आया ना, आप दीक्षिका से पहले से आ रहे हो, सेम कंडीशन है। ओके आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई कैन स्पीक इंग्लिश, या तो देखो मैं नॉर्मली आऊँ मजाक में पढ़ा के चला जाऊँ, या तो मैं आपको टाइम टाइम से थोड़ा सा डोज भी देता रहूँ, अब दोनों तरीका है मेरे पास, डोज देना जरूरी है बिकॉज आई एम अ टीचर, हंसी मजाक अपनी जगह है, अंडरस्टैंड, बात को गहराई से लीजिए नहीं तो हो जाएगी दिक्कत, मुझे माइक लगा ले दो। ऑलराइट ठीक है, यहाँ कहाँ लगेगा, इधर लगा दे, तो आप थोड़ा सा समझिए सरकार लोग, ठीक है आप नहीं समझते तो दिक्कत होती है। ओके तो अभी हाउ मेनी पीपल रियली थिंक दैट कि यू आर रियली इंप्रूविंग, सी यू आर इंप्रूविंग, अब देखो आई हैव ऑल्सो टू ऑप्शंस, वन थिंग इज दैट आई एम इंप्रूविंग माय बिजनेस आर नॉट एंड आई एम इंप्रूविंग माय सेल्फ आर नॉट। बिजनेस में मैं वीक हूँ, मैं पहले बता दूँ बिजनेस में मैं कितना इंप्रूव किया कितना इंप्रूव नहीं किया वो मैं नहीं जानता, हो सकता है थोड़ा बहुत इंप्रूव किया, हो सकता है इन टर्म्स ऑफ अदर बिजनेस पीपल आई एम नॉट इंप्रूविंग दैट मच, बट इन टर्म्स ऑफ माई सेल्फ मैंने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है, आप यकीन करिए मैं हर वक्त अपने आप को इंप्रूव करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इंप्रूव रहूंगा तो जहां खड़ा हो जाऊंगा बिजनेस खड़ा हो जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी लॉजिकल पॉइंट, यू आर नॉट इंप्रूविंग योर सेल्फ, यू नो यू जस्ट you heard somewhere that happiness institute is a very good institute of this personality development or this public speaking, you came and you joined it, but are you fulfilling that expectation or not, you just ask to yourself, I'm not here as a baba or a philosopher, I'm giving you some wali and motivation, no I'm just talking logically, that's it, main logically baat kar raha hu, kya kehte hain aap, right samajh rahe hain, right है ही नहीं कुसुम है, डॉक्टर कुसुम है,
और आप भी डेली आइए सरकार, कम डेली देखिए, ठीक है। थ्रू स्पीकिंग करें, थ्रू कन्वर्सेशन करें, थ्रू कम्युनिकेशन करें, थ्रू डिस्कशन करें, थ्रू इनहेरिटेंस करें, थ्रू एक्सपोजर करें, थ्रू एक्सप्रेशन करें। मतलब हमें ओवरऑल जो डेवलप करना इस हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट में, वी नीड टू डेवलप आवर पर्सनैलिटी, हमें पर्सनैलिटी डेवलप करना। सो वी आर हेयर फॉर दिस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब वी ऑल वर बॉर्न, हम सब पैदा हुए थे एज अ पर्सन, एज अ बेबी, एज अ किड, वी ऑल वर फीमेल्स मेल्स, वी वर बॉर्न अ बेबी, हम सब पैदा हुए थे बच्चे की तरह। बट उसके बाद हमने अपने ऊपर एक डाला पर्सोना, एक मास्क डाला। पर्सनैलिटी वर्ड जो लिया गया वो लैटिन वर्ड पर्सोना से लिया गया। पर्सोना का मतलब होता है मास्क। मास्क का मतलब कि जो पहले रशिया जापान में लोग परफॉर्मेंस किया करते थे, डांस किया करते थे, वहां पे वो एक मास्क लगाते थे और उस मास्क से उसका चेहरा छुप जाता था। सेम वे वी आर डूइंग एज यू आर सिटिंग हियर, जैसे आप यहां बैठे हैं, यू आर नॉट दैट, आप वो नहीं है। आप यहां दो घंटे के लिए आपने अपने ऊपर मास्क लगाया हुआ है। यू विल स्टेप आउट, आप बाहर निकलेंगे, यू विल चेंज, आप बदल जाएंगे, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी है ही नहीं। आपने यहां पर अपने आप को कंट्रोल करके बैठाया हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हो सकता है मैं अभी, मेरा रोल, मेरा कैरेक्टर समथिंग डिफरेंट, कुछ और है। हो सकता है मैं क्लास के बाद कुछ और हो जाऊं। This is all what we all are doing with us. हम सब अपने साथ एक चीज खेल रहे हैं। We are playing a character, we are playing a role, we are playing a drama, and that is the part of personality. इसी का मतलब होता है persona, और persona को हिंदी में बोलते हैं छवि, या तो mask, या तो चेहरे का नकाब। तो हम सब नकाब लगा के बैठे हैं बुरखा पहन के। बुरखे में रहने दो ना उठाओ, राइट भाई, उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो भेद खुलना जरूरी है, भेद बहुत सारे हैं। अब ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस वर्ड, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, दिस इज वेरी लॉन्ग लेंथी पार्ट, बिकॉज इफ इट इज नॉट लेंथी, व्हाई वुड यू पे दिस मच अमाउंट टू द ऑफिस एंड यू वुड बी सिटिंग हियर फॉर 2 months, 3 months, 1 month, 4 months, व्हाई? दिस इज अ वेरी लॉन्ग कॉन्सेप्ट, राइट? इट टेक्स 9 months टू टेक बर्थ इन दिस वर्ल्ड फ्रॉम कमिंग आउट ऑफ द मदर्स फेटस, बट द पॉइंट इज आफ्टर टेकिंग बर्थ वी नीड टू डेवलप अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स, अ लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अस, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी, एंड दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। नाउ अडेज यू, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा। एक इंसान था, बड़ा परेशान था, he was in a deep trouble, वो बहुत परेशान था, खुश नहीं रहता था जिंदगी। एक ज्योतिषी के पास गया, and he asked to ज्योतिषी बाबा, कुछ मदद करो मेरी, help me, I'm not happy, मैं खुश नहीं हूं। ज्योतिषी बाबा कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं। तो ज्योतिषी बाबा क्या करते हैं कि अपनी अंगूठी को निकाल कर उसके जेब में डाल देते हैं। बोलते हैं कि अरे यार मेरी अंगूठी खो गई, सर्च इट, फाइंड इट आउट, इसे ढूंढो ढूंढो। तो वो इंसान ढूंढता है अगल बगल, इधर उधर जाता है, नहीं पाता। बाबा जी मैं नहीं पाया अंगूठी, आई हैव नॉट फाउंड द रिंग, वेयर इज द रिंग, ओके दिस दैट। कहते चेक योर पॉकेट, चेक करता है, अंगूठी निकलती है। कहते अंगूठी तो मेरे पास थी। बोले वैसे ही खुशी तुम्हारे पास है, तुम ढूंढ रहे हो इधर उधर। द सेम थिंग यू हैव टू फाइंड आउट, पर्सनैलिटी आपके पास है, आप ढूंढ रहे हो इधर उधर। हैप्पीनेस आपके पास है, आप ढूंढ रहे हो। इमोशन आपके पास है, आप ढूंढ रहे हो। तकलीफें आपके पास है और सॉल्यूशन भी आपके पास है, ढूंढ रहे हो इधर उधर। एक इंसान को आप कुछ भी खिला सकते हो, कुछ भी पिला सकते हो, किसी बाबा फकीर के पास भेज सकते हो, अगर वो इंसान डिप्रेशन में है तो। ना हो तो आप किसी इंसान से मिलकर देखिए, उसको आप जो है नीम की पत्ती पीस के पिला दो, वो जो है कि पी लेगा अपने प्रॉब्लम के लिए, बिकॉज ही इज इन डिप्रेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत बहुत डीप कॉन्सेप्ट, आप समझ नहीं पाते। आप इंडिया का आंकड़ा उठाइए, हर 5 or 7 इंसान में एक इंसान कहीं ना कहीं माइल्ड या सीवियर जो है कि मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा है, और एक वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, दिस इज अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एंड ही इज फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। Right, you will be finding, आपको किसी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, किसी से मिलकर बहुत दुख होता है, किसी से मिलकर बहुत जेलसी होती है, किसी से मिलकर बहुत सिक्योर फील होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ही इज सच अ पर्सन, वो ऐसा इंसान है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। आपको इसलिए नहीं लगता कि आप एक्चुअली में जा रहे हैं उस इंसान के पास कि भैया मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं। नो, उसकी एक वाइब आती है, एक वाइब वो बिखेरता है, और उसी वाइब की वजह से आप सिक्योर फील करते हैं, और इसी की वो पर्सनैलिटी है। आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं, मुझसे बात करके आपको दिक्कत होगी? कभी ऐसा लगता है कि नफरत होगी? कभी ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम होगी? नहीं, क्योंकि मैं वाइब ऐसी जनरेट कर रहा हूं।
तो सेम वे आप भी ऐसी वाइब जनरेट कर रहे हैं, पॉजिटिव, एंड दैट इज योर पर्सनैलिटी, वो आपकी है पर्सनैलिटी। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। अब पर्सोना वर्ड है हमारे पास, हमारे पास वर्ड है पर्सनिफिकेशन, वी हैव अ वर्ड पर्सनेज, वी हैव अ वर्ड पर्सोनेट, वी हैव अ वर्ड पर्सनल, वी हैव अ वर्ड पर्सनल, ये सब एक वर्ड है। पर्सनैलिटी का हमें मतलब पता चल गया कि लैटिन वर्ड पर्सोना से आया है जिसका मतलब होता है छवि मास्क। दूसरा वर्ड हमारे पास पर्सनिफिकेशन, अवतार, हम सब एक अवतार हैं ईश्वर का, ईश्वर का नहीं, चलिए अपने आप को अगर माने तो। पर्सनिफिकेट करना मतलब किसी के अवतार को ग्रहण करना, लेना। उसके बाद हमारे पास है पर्सोनेज, पर्सोनेज का मतलब कैरेक्टर, किसी का कैरेक्टर प्ले करना। अगर मैं कैरेक्टर हूं, मैं बन गया फकीर, तो मैं, ये मेरा क्या है, एक पर्सनेज है, मेरा कैरेक्टर है। पर्सनेट का मतलब होता है टू प्ले द कैरेक्टर, कैरेक्टर को प्ले करना। अभी जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं एज ए टीचर प्ले कर रहा हूं, कल को सेम डे पार्टी में डीजे बजेगा तो मैं डांसर का रोल प्ले करूंगा, लेकिन अभी नहीं। दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। पर्सनेट का मतलब होता है टू प्ले द कैरेक्टर, कैरेक्टर को प्ले करना। पर्सनल का मतलब होता है, आपको सबको पता है, निजी, और पर्सनल का मतलब होता है किसी ग्रुप या संगठन के लोग। पर्सनल, राइट, पर्सनल ऑफ पुलिस, पर्सनल ऑफ कांग्रेस, पर्सनल ऑफ बीजेपी, व्हाटएवर, तो दिस इज कॉल्ड पर्सनल। ये हमारे कुछ वर्ड्स हो गए। अब नाउ लेट्स मूव अहेड, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट इट, तो हमें समझना स्टेज, हम सबके पास चार तरीके की उम्र है, फोर टाइप्स ऑफ एज। सबसे पहली एज जो हमारी है वो है बायोलॉजिकल एज, दूसरी हमारी है क्रोनोलॉजिकल एज, तीसरी हमारी है अपीयरिंग एज, और चौथी हमारी है साइकोलॉजिकल एज। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल एज, व्हाट इज दिस? पीपल बिकम 40-50 बट दे स्टे स्ट्रॉन्ग, देयर लीवर इज स्ट्रॉन्ग टू डाइजेस्ट, देयर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग टू वॉक एंड रन, to fight back, so this is called that biologically fit. My biological is, age is just 20. I am 40 years in terms of my Aadhaar card. मेरी आधार कार्ड की जो उम्र है वो क्रोनोलॉजिकल एज है। मेरा बॉडी जो अलाउ कर रही है वो मेरी बायोलॉजिकल एज है। मेरा चेहरा जो बयान कर रहा है वो मेरी अपीयरिंग एज है। मेरा दिमाग जो सोच रहा है वो मेरी साइकोलॉजिकल एज है। सबसे इंपॉर्टेंट एज जो है वो साइकोलॉजिकल एज होती है। 90 साल की उम्र में 20 साल का बोले तो नौजवान महसूस करना, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल एज। सो वी हैव टू बी साइकोलॉजिकली फिट एंड स्ट्रॉन्ग, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो दीज फोर टाइप्स ऑफ एज। अब उसके बाद हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी बॉडी में पांच तरीके की स्टेजेस आते हैं। पहले हम बॉडी की बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो स्टेज आता है वो आता है आपका ओरल स्टेज, जो आपका रहता है 0 to 1 year तक। एक साल तक के बच्चे के पास ओरल डेवलपमेंट होता है, उसके मुख से कैसे खाना है, कैसे क्या, मम्मी मम्मी पापा जो भी करना है। उसके बाद आता है एनल स्टेज। अब एनल को मैं पूरी तरीके से तो डिस्क्राइब नहीं करूंगा, बट एनल स्टेज का मतलब कि उसको अपना एक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक अपना जो है कि स्टूल्स और लूज मोशन जो भी है उसके बारे में वो समझे, चीजों को जाने, उसको बोलते हैं एनल स्टेज, जो आपका 1 साल से लेकर 3 साल तक रहता है। उसके बाद आपका तीसरा है वेरी इंपॉर्टेंट, फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज 3 से लेकर 6 साल तक रहता है। व्हाट इज फैलिक स्टेज? फैलिक स्टेज में होता है कि अपनी बॉडी के पार्ट के बारे में समझना। जब बच्चा अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करना सीखे, मेरी बॉडी ये है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, बॉडी को एक्सप्लोर करना, राइट, बॉडी के हर पार्ट को एक्सप्लोर करना, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, चाहे वो प्राइवेट पार्ट हो, चाहे वो एक्सटर्नल पार्ट हो, कुछ भी हो, उसको एक्सप्लोर करना, दैट इज 3 to 6 years की एज में आता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आपका आता है लैटेंट स्टेज, और लैटेंट स्टेज के अंदर होता है 6 से लेकर प्यूबर्टी तक। और प्यूबर्टी का मतलब हम सबको शायद पढ़े होंगे तो पता है कि ये होता है, इट्स ऑल अबाउट प्राइवेट पार्ट सेक्सुअल ओरिएंटेशन। जब बच्चे को ये पता चलने लगे कि मेरी बॉडी का ये पार्ट है इसका क्या मतलब है, मेरी बॉडी का वो पार्ट है उसका क्या मतलब है, एक सेक्सुअल
एक तरीके से जो नॉलेज होती है उसको डेवलप करने को बोलते हैं, उसका जो स्टेज होता है वो लैटेंट स्टेज होता है और वो 6 से लेके प्यूबर्टी तक होता है, और देखा जाए तो 6 से लेके 12 साल तक लड़कियों के अंदर होता है और 6 से लेके 14 साल तक लड़कों के अंदर होता है। इट्स अ कॉमन स्टेज। उसके बाद पांचवा पॉइंट जो लास्ट आता है वो आता है लैटेंट से लेके मतलब प्यूबर्टी से लेकर आपकी लास्ट डेथ तक। यहां तक तो आपका मामला चलता रहा ठीक ठाक बैलेंस्ड, इसके बाद खतरा है। एक्सेसिव आप हो जाएंगे, आप ऑब्सेसिव हो जाएंगे, आप गुस्से वाले हो जाएंगे, इरिटेशन में आ जाएंगे, ओवर पावर अपने आपको दिखाने लगेंगे, ओवर थिंकिंग आ जाएगी। इस स्टेज पे आदमी बिखरता है, या तो निखरता है, सवरता है, या तो पूरी तरीके से डगमगा जाता है। दिस इज द स्टेज। और हम सब गॉड्स ग्रेस इसी स्टेज में है, और हम सब गिर जाएं या तो उठ जाएं, दिस इज द स्टेज। नाउ ये पांच स्टेज, इसीलिए कहा है ना कि भैया व्यक्ति बनने से पहले व्यक्तित्व बनाओ, चित्र में आने से पहले चरित्र बनाओ, व्यापार का प्रचार करने से पहले गुणवत्ता वाला व्यापार बनाओ, और इंसान इंसान करने से पहले अच्छा व्यवहार बनाओ। तो व्यवहार बनाओगे तो ऑटोमेटिकली पीपल विल बी कनेक्टेड। तो दिस इज व्हाट आपको ये चीज समझनी। अब ये हो गया हमारा 4, ये हो गया हमारा 5, 9 पॉइंट्स याद करिए, लाइफ में बड़े काम आएंगे। आगे चलते हैं। हाँ प्लीज। लैटिन वर्ड, लैटिन इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज, ओल्ड लैंग्वेज। लैटिन हो गया, ग्रीक हो गया, ग्रीक हो गया। पर्सनैलिटी हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड पर्सोना। पर्सोना इज अ लैटिन वर्ड। जैसे हमारे पास पहले इंग्लिश तो थी नहीं। अब एक हम बात करते हैं लव। लव मतलब क्या होता है? प्यार, सबको पता है। ये वर्ड आया लुभ्याती वर्ड से। लुभ्याती का मतलब होता है प्रेम, और ये लुभ्याती वर्ड जो है संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत का वर्ड है ये। तो जैसे हमारी ओल्ड लैंग्वेज संस्कृत है, वैसे ही लैटिन है, वैसे ही ग्रीक है, वैसे ही फ्रेंच है। हाँ, लैटिन मींस लैंग्वेज, इट्स अ लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज। अरे आपने सुना होगा ना, बोंजोर, ओला, कोमो सावा, कोमो इस्ता, एस्टोय बीएन, एस्टोय अनुहादा, एस्टोय अनुजादा, राइट? ये इसमें मैंने मिक्स बोला, मैंने फ्रेंच भी बोला और स्पेनिश भी बोला है। संडे को लुंगी बोलते हैं, लुंडी, ओके, संडे। चलो एक ही वर्ड आपके पास है, दैट्स इंटरेस्टिंग। क्या इरेज इट प्लीज, मिटा दे कारवा। मैं तो मंजिल की तरफ चलता रहा अकेले, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया। भीमराव अम्बेडकर जी का एक कोट था। Now let's understand, see, अब this personality development is quite a deep thing. इसको हम धीरे धीरे आराम से समझते हैं। सबसे पहले commonly if we talk about, generally if we talk about, generally अगर हम बात करें तो personality में बहुत सारी चीज़ें हैं। Body हमारी आ गई, external में हम सब चाहते हैं कि अच्छा पहने, अच्छे दिखें, सब लोग चाहते हैं। और देश अच्छा पहनते हैं कपड़ा, है? शॉपिंग करेगा राइट, सब लोग अच्छा बंदे। राहुल हैज अ चश्मा, द कैरिस्मेटिक चश्मा, राइट? सो वी ऑल वांट टू लुक कूल, लुक हैंडसम, राइट? जैसे आपका पहले शर्ट का अनकंफर्ट होता था, राइट? यो शर्ट नहीं सही दिख रही है, ऐसा है, वैसा है, बहुत सारी चीजें। तो हम सब मोमेंट के अकॉर्डिंग अपने एक्सटर्नल चीज को चेंज कर लेते हैं। हम सबके पास उतना सेंस है। आप सब लोग सेम बैठे हैं, नॉर्मल बैठे हैं, जैकेट डाला है, स्वेटर डाला है, शर्ट पहना, टी शर्ट पहना, सेम आप लोग पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तुरंत चेंज हो जाएंगे। एक्सटर्नल पार्ट आपका तुरंत चेंज हो जाएगा। आप घाघरा, आप लहंगा, आप फ्रॉक, आप कुछ भी, और राइट शॉर्ट्स, आप वेस्टर्न, जो भी पहनना चाहे पहन सकते, आपने चेंज कर दिया एक्सटर्नल। लेकिन जो आपका इंटरनल पार्ट रहेगा, वो भाग तेरी की, तत् तेरी की, जो रहेगा वो निकलेगा उधर, अंडरस्टैंड? वो कहीं ना कहीं निकलेगा। मेरे साथ क्या हुआ, यू नो, लाइक देर वॉज अ वेरी वेल, यू नो, एक्सटर्नल ब्यूटिफाइड लेडी, एंड शी वॉज जस्ट, यू नो, वॉकिंग विद अ साड़ी। आई वेंट टू अ पार्टी इन दिल्ली, एंड द वे शी स्पोक, द मोमेंट शी स्पोक, अरे कार है इधर आओ रे, अरे समझ में आ गया कि
कि उसका इंटरनल पर्सनालिटी का एक्सटर्नल तो वॉज कंप्लीटली ऑसम माशाल्लाह, बट इंटरनल पता चल गया। तो हम एक्सटर्नल पे ऑन द स्पॉट काम कर सकते हैं ब्यूटी पार्लर खुले हुए, लेकिन इंटरनल पे काम करने के लिए 4 महीने का हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट में कोर्स दिया जाता है, जो कि लेना है आपको। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं आप? तो यही चीज हमें समझना है कि अब देयर आर टू एस्पेक्ट्स, हमारे पास दो एस्पेक्ट्स हैं। एक यहां पे हमारा बॉडी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से लोग केयर करते हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं इस चीज की। एक मेंटल है। अब बॉडी आप समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे एक बार एक बीमारी हो गई IBS, जिसका नाम कभी मैंने सुना नहीं था, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, है ना, आपने सुना, आपको भी हुआ होगा शायद या सुना होगा। उसमें होता है कि डाइजेशन या जो है कि पेट में दिक्कत आ जाती है, बहुत गहरे लेवल की दिक्कत आ जाती है। अब मुझे बॉडी की प्रॉब्लम थी, बॉडी की प्रॉब्लम थी, मैं झेलते 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 समझ नहीं पाया, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। वो धीरे 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 वो मेरी बॉडी की प्रॉब्लम मेरे मेंटल एटीट्यूड पे अफेक्ट कर गई। फिर मैं धीरे धीरे स्ट्रेस में चला गया, और जब मैं स्ट्रेस में गया तो मैं मेंटली भी और फिजिकली भी दोनों तरीके से डैमेज हो गया। तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि अरे यार बॉडी छोड़ो माइंड ओके रखो। बॉडी इज इंटरकनेक्टेड विद द माइंड, try to understand, body is interconnected, interlinked with the mind, that is why to stay fit you must do whatever the time is, whatever the moment is, whatever the requirement is, we have to stay fit and strong, that is body. Now let's come to the mental. अब हमें mental में भैया brain में पता है क्या dopamine, serotonin, erythrocytes, right, ये adrenaline, ये जो chemicals हैं ये release होना चाहिए, ये release होना कम या बंद हो जाते हैं तो इंसान mentally disorder में चलाता है। अभी जैसे मेरा पूरी तरीके से release हो रहा है, खटाखट 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 अभी पूरा release हो रहा है, right? अब ऐसे में जाके कहीं कोने में बैठूंगा, कुछ सोचूंगा, depression में आऊं, थोड़ा frustration, फिर दिक्कत आ जाएगी। और ये mental का सिंपल सी चीज है भैया, thought पहले आती है, वो thought आपका एक mood बनती है, वो मूड आपका एक इमोशन बनता है, वही इमोशन आपका एक फ्रस्ट्रेशन बनता है, वही फ्रस्ट्रेशन आपका एक स्ट्रेस बनता है, आपकी एंजाइटी बनती है, और वही एंजाइटी एक आपका टेंशन का रूप ले लेता है, वही टेंशन आपका हाइपर टेंशन का रूप ले लेता है, और वही हाइपर टेंशन आपका डिप्रेशन का रूप ले लेता है, और डिप्रेशन आपकी जान निकाल देता है। That is what you need to understand. यही तो आपको समझना है कि भैया जब थॉट आती है तो थॉट कैसी है, बैलेंस इट, वैल्यू इट, अंडरस्टैंड इट। इफ इट्स अ नेगेटिव थॉट, कीप इट इन द गार्बेज बॉक्स, हे कम ऑन। इफ इट इज अ पॉजिटिव थॉट, एंजॉय इट। ओके, व्हाट्स द थॉट? द थॉट इज टू जस्ट गो एंड हैव द पिज्जा, आई एम रेडी। इफ द थॉट इज टू जस्ट यू नो टॉक अबाउट सम जेलिसी पॉइंट्स, टॉक अबाउट सम इरिटेटिंग, अरे यार कम ऑन हट। और एक चीज आप समझिए, लेट्स कंपेयर, हम बेचारे गांव की औरतों को देख लीजिए, हम भी गांव से, उनके पास किसी की शिकायत करने के अलावा कुछ ही नहीं। और उनका मेंटल लेवल आप देख लीजिए कितना डैमेज हो जाता है उनके पास, अगर वो शिकायत ना करें तो बेचारे मर जाएंगे। और ये हकीकत है, उनके भौजाई, उनका देवर, अरे उस लेवल पे वो चली जाते हैं, सोचिए कितना उनका नुकसान होता है, लाइफ में कुछ और है नहीं। और मैं ये कहता हूं, जब भी आपको ये मौका मिले किसी की शिकायत करने का, किसी से ईर्ष्या करने का, किसी से जलन करने का, अपने आप को वहां से तुरंत उठा लीजिए। अच्छा उस वक्त बहुत लगता है, आप जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं चला गया ऑफिस में, आपको मेरी बुराई करने का थोड़ा बहुत पॉइंट अगर कहीं मिल गया, थोड़ा बहुत आपको बहुत अच्छा लगेगा 4 लोग के साथ, लेकिन जब आप बुराई करेंगे तो मेरी बुराई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, आप अपने माइंड को अफेक्ट कर रहे हैं। सृष्टि की जब भी मैं बुराई करूंगा तो मैं सृष्टि की बुराई नहीं कर रहा, सृष्टि है ही नहीं यहां पे, मैं अपने माइंड को मेंटली अफेक्ट कर रहा हूं और मैं अपनी पर्सनालिटी को खराब कर रहा हूं। हमें बहुत डीप पॉइंट समझना होगा, और हम सब करते हैं ऐसी चीजें, नहीं करनी चाहिए, वी शुड नॉट डू इट, ग्रो हैड, दैट्स इट, राइट, अंडरस्टैंड, दैट्स अ पॉइंट। चलिए आगे चलते, सेम थिंग ना, यस, गौतम बुद्ध जी, और मैं तो गौतम बुद्ध जी के यहां से अभी जल्दी आया हूं उनके स्टैचू के सामने से, राइट, that is the thing. All right, everyone. चलिए, हाँ, तो मैं बॉडी के बारे में तो ज्यादा नहीं बताऊंगा, because I'm not a fitness coach. Mr. Rahul is a fitness coach. He will explain more. But हाँ, mental के बारे में मैं थोड़ा expertise लिया हूँ, उसपे मैं बताता रहूँगा. अब let's understand, पहले समझते हैं.
अब दो तरीके का हमारा पर्सनैलिटी इनहेरिटेंस होता है, एक हमारा होता है टेम्परामेंट, एक हमारा होता है कैरेक्टर। अब देखिए, जो भी हम किसी से ले लिए प्रीवियस जनरेशन से, अपने फादर से, अपने मदर से, बचपन से, वो टेम्परामेंट हो गया हमारा एक तरीके का, राइट। और जो भी हम इन्वायरमेंट में हैं, जहां पे हम हैं, वो हम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अभी आप सब लोग कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, इसमें से कोई बहुत गुस्से वाला हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है उसका टेम्परामेंट हो गुस्से वाला, बट यहाँ पे वो कैरेक्टर रोल प्ले कर रहा है। तो हम सबकी दो पर्सनैलिटी में बटे हुए हैं, राइट। मैं क्या हूँ, गुस्से वाला हूँ या नहीं हूँ? My relatives, they always talk about, मतलब कहीं ना कहीं वो उनके दिमाग में एक जरूर रहता है धर्म, मुस्लिम हो, हिंदू हो, नाचना नहीं है मुस्लिम हो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। मैंने सबको सुना, आज तक मैंने किसी को फॉलो नहीं किया, बट हट सा एकदम हटा दो ऐसे लोगों को, जो भी बात करे बंटवारे की, कुछ भी गलत बात करे उनको, चाहे वो आपके पापा ही ना हो, उनकी बात को साइड में रखो, बिकॉज ऐसे हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती। आप दुकान खोलोगे, आप बोलोगे मुस्लिम का वेलकम है, हिंदू का वेलकम नहीं, हिंदू का वेलकम, मुस्लिम का वेलकम, ऐसा कर सकते हो लाइफ में? नहीं कर सकते, यू कांट डू। तो ऐसी बात सुननी ही क्यों है? व्हाई टू लिसन? इग्नोर ऑल दिस नॉनसेंस थिंग्स, चाहे वो कोई भी हो, आप एकदम क्लीन रहिए, क्लीन कट, यही है तो है पर्सनैलिटी। तो वही सेम चीज है, इग्नोर। हाँ, हम कहाँ थे? दो चीज, टेम्परामेंट और कैरेक्टर पे। अब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी में मोस्टली चार तरीके के ट्रेट्स होते हैं। मैं भी आपको ऊपर ऊपर की चीज बता रहा हूं लेडीज एंड जेंटलमैन। तो एक हमारा होता है भैया एक्स्ट्रावर्जन, इसमें से बहुत से लोग हैं जो तुरंत जल्दी से गए, घुल मिल लिए, आराम से आए, हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम जैसे, फर्स्ट क्लास, ऐसे लोग बड़े हैप्पी होते हैं, जॉली होते हैं। तो ऐसे एक्स्ट्रावर्जन मेरे ख्याल से रहना चाहिए। दूसरा हमारा पर्सनैलिटी ट्रेट है भैया जी अग्रीबिलनेस, मतलब कि ज्यादा टफ नहीं है वो, ठीक है आप कुछ कह रहे हैं मैं आपको मान लेता हूं, मैं कुछ कह रहा हूं आप मान लो, ठीक है, दैट्स ओके, बैलेंस्ड पर्सन, बैलेंस्ड। तीसरा होता है हमारा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, ये इंसान बड़ा सोच समझ के बड़ा एक्टिव होता है, बड़ा फोकस्ड होता है, बहुत ज्यादा हेल्पिंग होता है और बहुत थिंकिंग होता है, मतलब अच्छा सोच समझ के जो भी फैसला लेता है कॉन्शियसनेस से, दिमाग से। उसके बाद एक होता है न्यूरोटिसिज्म, ये इंसान हमेशा पड़ा रहता है बेड पे और सोचता रहता है, खत्म कहानी, एकदम निगेटिव, बेकार, खत्म, फिनिश्ड, ऐसे लोग की दुनिया में खत्म, खलास, ए क्या बोलते हैं, खलास ऐसी चीज है। तो इसमें से ये वाला हटा के बाकी ये तीनों अच्छा है ले लो। अब उसी में पर्सनैलिटी, ये ट्रेट्स है, मैंने ट्रेट्स बताया। अब पर्सनैलिटी के पांच टाइप्स होते, सॉरी चार टाइप्स होते, चार ट्रेट्स हो गए, चार टाइप्स है, आपका ए, आपका बी, आपका सी और आपका डी, ये आपके पर्सनैलिटी के चार टाइप्स। ए कहता है बी पॉजिटिव वर्कहोलिक, मतलब काम करो, फोकस रहो, मस्त में रहो और पूरी तरीके से अपने आप को जो है कि अच्छा बनाओ, चलो ये तो हम ले लेंगे। बी क्या कहता है, रिलैक्स रहो, कुछ भी होगा देख लिया जाएगा, आराम से रहो, ऐसे लोग थोड़ा कहीं अच्छे होते हैं कहीं अच्छे नहीं होते, कि एकदम से लेजी हैं, पड़े हैं, काम तो हो ही जाएगा, भगवान भरोसे, ऐसा कुछ सिस्टम होता है, तो बी होता है। सी क्या कहता है, भैया जी ओवर वर्कहोलिक, ओवर ऑब्सेस्ड, जैसे बीच में जैसे अभी राहुल के साथ चल रहा है, ये ओवर रीडिंग, लाइब्रेरी में ही गए सो गए, उनको पता नहीं मेरी बॉडी कहाँ है, मेरा माइंड कहाँ है, लाइब्रेरी, मतलब अभी ये जो इनके साथ स्टेज चल रहा था या चल रहा है वो सी में चल रहे हैं ये, तो सी से इनको ए में आना है, क्योंकि सी इज ए डेंजरस फॉर्म, एकदम से आज ही यूपीएससी क्रैक कर लें भैया, नॉट पॉसिबल, आज ही बुर्ज खलीफा जाके नाचने लगेंगे, नॉट पॉसिबल, फ्लाइट लेना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब डी क्या कहता है, डी वेरी निगेटिव, ऑलवेज सैड, निगेटिव, पेसिमिस्ट, इसमें से ये खराब है, ये खराब है, 50% ये खराब है, सही है, ए वाला ले लो और हमेशा नंबर वन रहो, ए नंबर के रहो, ए फॉर अब्दुल्ला, ऑलराइट एवरीवन, दिस इज वन अभिषेक।
खम्मा गनी राइट, ठीक है, यस आया, समझ में आया ना? अब अगले कंपटीशन में रहोगे कि नहीं? अब इतना मोटिवेशन तो काफी है सरकार, देखो मैं पढ़ाते पढ़ाते भी मोटिवेशन निकालता रहता हूँ। छु छु छु, हाँ बोलो, कोई बात नहीं, ईद मनाना है ना, ईद मनाओ, रोजा रख के ईद मनाने में मजा है। हाँ यस प्लीज, अब नाउ हम अगर स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट, हम बात करें इफ वी टॉक अबाउट राइट इन द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, हमारे पास ये तो हो गया पॉजिटिव थिंग्स, ठीक है, मेरा एनर्जी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, वी हैव अ लॉट ऑफ डिसऑर्डर्स इन द पर्सनैलिटी, वी हैव इमोशन डिसऑर्डर, वी हैव सोशल डिसऑर्डर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम सोशल अपने आप को अडाप्ट ही नहीं कर पा रहे, हमारा बहुत जगह मन करता है कुछ बोलने का, नहीं बोलता, कुसुम मैम के साथ ऐसा होता है, इन्होंने कन्फेस किया मुझे, बताया आई वॉन्ट टू स्पीक, फिर मुझे लगता है व्हाट इज द प्रॉफिट टू स्पीक, क्या फायदा बोलने से राइट, मन करता है कहीं भी डांस करने का लेकिन नहीं कर पाते, सोशल एंग्जाइटी है, लेकिन ठीक है बस में बहुत अच्छा किए थे और दोनों साथ में किए थे, वहाँ पे मज़ा आया था, लेकिन वहीं पे बस में बैठे हुए कितने लड़के लड़की नहीं किए थे, बाद में उनको पछतावा, काश कर लेते, नाच रहे थे सर भी तो नाच रहे थे, वहाँ नाचे होते हम लोग, समझ रहे हैं आप बात, ज़रा समझिए, हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ कि थोड़ा बहुत झूम लिए होते। अब ये होता है एक सोशल डिसऑर्डर, जो हम सोशल बहुत ज़्यादा नहीं है तो हमें प्रॉब्लम होती है। आप कितने लोगों को ऐसी प्रॉब्लम हुई है कि काश वो वाली मिठाई खा के आए होते, पार्टी बारात में शादी में गए, अरे यार वो छूट गई आइसक्रीम, यहाँ खा के आए होते तो थोड़ा सा सुकून रहता। देखो हम गांव से, हमें बड़ी दिक्कत होती है, एक्सेप्ट यू विथ इट हैपेंड विद एवरीवन एंड इट्स अ नेचर आई थिंक एंड इट मस्ट बी नॉट इट, मतलब यू ईट एवरीथिंग, खाई लेते हो नहीं, कभी यू हैव नेवर मिस्ड, कभी मिस नहीं किया, मैं स्टेज मिस नहीं करता, स्टेज डांस करने, हां नहीं वो तो मैंने देख लिया है, वो तो दैट आई हैव सीन, मिस नहीं करता, चलो वेरी गुड, अपॉर्चुनिटी है सर, रसगुल्ला खाओ खाने के लिए, दैट्स ग्रेट, तो एवरीबॉडी शुड बी लाइक अवधेश ताकि बाद में पछतावा ना हो, चलो इंटरेस्ट होते हैं अच्छा, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, that is what I'm saying। कितने लोगों को ऐसा हुआ कि कोई अपॉर्चुनिटी थी बट अंदर ही अंदर हम सोच के वो अपॉर्चुनिटी खो दिए, अंदर अंदर सोच के क्या होगा कैसे happen? हाँ sometimes not able to ask questions, right? तो ये social एक तरीके का disorder है या एक तरीके का हमारा fear है, ये भी personality का एक trait है। अच्छा very nice। अगर हम बात करें कि पर्सनैलिटी डेवलप करना है तो हाउ टू डेवलप पर्सनैलिटी, आपको क्या लगता है कि किस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए? थॉट्स पे, ठीक, बिहेवियर पे, बिहेवियर बी है नहीं बिहे बिहेवियर ओके एंड फोकस, यू हैव टू कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन, ओवर थिंक, कंट्रोल योर ओवर थिंकिंग ओके एंड consistency, externally also take yourself and keep yourself fit, psychologically you have to stay fit, that is what, randomly we ask and that's okay right, there are nobody to actually judge, yes that's nice, physically fit okay, way of standing very nice, body language fine, मतलब मैं ये आपको मान सकता हूँ कि आपको ये पता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, फिर भी यहाँ बैठे, चलो कोई बात नहीं, वो तो मजाक कर रहा हूँ, अब आपको ये चीज़ तो पता है कि ये करना चाहिए, उस चीज़ को करने के लिए आपको चाहिए गाइडेंस, इसीलिए तो आप यहाँ पे मेरे पास आए हो, तो अब जो मैं गाइडेंस दे रहा हूँ डू यू फॉलो, फॉलो करते हैं पक्का, दैट्स ग्रेट, पक्का इंटरेस्टिंग, सॉरी ओके, सो Now the biggest problem, what happens? सबसे पहली चीज है, एक चीज जो हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं, जैसे एक तो हमारा हो गया इमोशन, और ये सबके साथ चल रहा है, और खासकर हमें पता है कि इस एज में ज्यादा चल रहा है, और अगर आप वो चीज जो करना चाहते तो नहीं कर पाए तब तो और चलता है, जैसे शादीशुदा लोगों के साथ, उम्र वालों के साथ और चलता है राइट, इमोशन, छोटी भी बात किसी ने कह दी बड़ी तकलीफ हो गई, दर्द हो गया, इमोशन। So, what is emotion?
देखो हाँ हाँ बिल्कुल 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 द आउटकम ऑफ एनी कंडीशन थ्रू योर एक्सप्रेशन आइदर इट्स फेशियल और इट्स मेंटल दैट इज एक्सप्रेशन. समझ में आया? नहीं. द आउटकम ऑफ एनी सिचुएशन किसी आपके फेस के थ्रू या आपकी सोच के थ्रू आता है वही इमोशन होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आइसक्रीम आपको दिखाई, कुछ तो होगा आपको, कुछ तो होगा. मैंने आपको जलेबी दिखाई, कुछ तो इमोशन है, एक इमोशन ही तो है. माउथ विल स्टार्ट, अरे यार आइसक्रीम होता है, सबको होता है और हम सब जिसको नहीं हुआ वो तो खत्म है. राइट, मतलब नहीं हुआ तो नहीं होना भी बहुत खतरनाक चीज है. राइट, हो रहा है ना. तो होना बहुत जरूरी है. अब कितने लोग ऐसे हैं जो शॉर्ट टेम्पर्ड है या तुरंत जल्दी से इमोशनल हो जाते हैं? ठीक, डिपेंड करता है. कितने लोग ऐसे हैं डीप थिंकिंग करते हैं जो बहुत ज्यादा बाद में होती है डीप थिंकिंग? कितने लोग को ऐसा हुआ है मेरी बातों से बहुत अफेक्ट पड़ा है? निगेटिव वो में किसी को पड़ा हुआ है? किसी कोई ऐसा इंसान है जो यहीं पे बैठा हुआ, किसी इंसान ने उसको बड़ी तकलीफ दी हो अंदर अंदर से मेंटली आपको? किसी ने दिया, नाम नहीं लेंगे. राइट, ठीक है, फाइन. कौन है वो, कौन है कोई? आप कोई, आप में से कोई ऐसा है कि किसी से भी आप मिलते हैं आपको अच्छा लगता है? Yes. किसी से भी मिलते हैं अच्छा लगता है? Yes. अच्छा लगता है. वेरी नाइस, वेरी नाइस, फैंटास्टिक. कितनी ऐसी चीज है आपकी जो उस सिचुएशन के बाद भी वो आपके मन में रह जाती है, घर बना लेती है, वो मन में आगे के लिए रह जाती है? कभी कभी मैं आपको तीन सिचुएशन देता हूं, उसमें से क्या? किसी ने आपको गाली दे दी, किसी ने आपके साथ बहुत ही अच्छी भलाई कर दी, किसी ने आपको बहुत कुछ अच्छा बता दिया. इन तीनों में से आपके पास दिमाग में मन में क्या रह जाएगा? अच्छा कुछ बता दिया, अच्छा बता दिया जो. अच्छा फर्स्ट वाला, किसी ने गाली दे दी, गाली वाला रियल बताइए. देखिए आप मोटिवेटेड होके मत बताइए. फर्स्ट वन, बुरा जो करते हैं वो भूल नहीं पाते. हमें 10 लोगों ने प्यार किया वो भूल जाएंगे, ब्रेकअप याद रहेगा. राइट, यही होता है. इंसान ज्यादा अगर किसी चीज को याद करता है निगेटिव चीज, इसीलिए लोग कहते हैं कि ना प्यार में दर्द दिया करो, वो भी आता याद रहेगा. मदद नहीं किया ना उस टाइम, उसके याद आता है उस टाइम में. अच्छा, दैट वन, कि वो मदद नहीं किया, वो गलत किया. एक्सपेक्टेशन होता है लोगों को, एक्सपेक्टेशंस हैं, रखनी नहीं चाहिए. आपको है? नहीं है, मुझे तो नहीं. लेकिन थोड़ा बहुत रखनी भी चाहिए. ध्यान देना, यहाँ आए हो एक्सपेक्टेशन लेके आए हो ना. हाँ, नहीं लेके आए एक्सपेक्टेशन? नहीं, अपने आप से है. अपने आप नहीं, यहाँ क्लास से भी होनी चाहिए. सर मिलेगा तो ठीक है. नहीं, नहीं गलत है. नहीं रखने, अपने आप में एकदम कम्प्लीट हो. जो सर जो मुझे चाहिए मैं खुद पाऊंगा. अपने आप से है, अपने आप से. ये पर्सनैलिटी जो है वाई, हमेशा वाई वाई. हाँ, वाई पर्सनैलिटी है. हर चीज में वाई निकालना है. अच्छा, ओके, ये वाला वाई. वाई, इनसे क्यों एक्सपेक्टेशन रखना? वाई, वाई पर्सनैलिटी. राइट, ओके. चलो, आप अपने आप को अभी किस पर्सनैलिटी ट्रेट में रखते हो? ट्रेट में पूछ रहा हूँ, टाइप में नहीं पूछ रहा हूँ, ट्रेट में रखते हो? नहीं, ट्रेड में रखते हो? एक्स्ट्रावर्जन, कॉन्शियसनेस, रियल बताइएगा जो है. कॉन्शियसनेस, अग्रीबलनेस, ठीक है, अग्रीबलनेस. इसमें से कितने लोग क्रेडुलस हैं? क्रेडुलस मतलब जो जल्दी से किसी पे विश्वास कर ले. किसी ने कुछ कहा, अच्छा अच्छा हाँ ठीक, क्रेडुलस. ओके, कितने लोग बैलेंस थॉट्स वाले हैं? बैलेंस थॉट्स की थोड़ा इधर थोड़ा उधर, ठीक है, बैलेंस करके आराम से.
बैलेंस थॉट्स, फ्लेक्सिबिलिटी है, आराम से पोलाइट है, ठीक है। कितने लोग यहाँ पे एग्जैजरेटर्स हैं, हाइपरबल, नहीं एग्जैजरेट करने वाले, ठीक, दैट इज फाइन। चलो, मतलब ओवरऑल आई कुड से अभी मैं कह सकता हूँ कि आप लोग की पर्सनैलिटी बहुत डेवलप्ड है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमें इसका सेशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, 3-4 सेशन और कर सकते हैं इस पर, बाकी तो आप लोग हैं। That's great. So these all things are overcoming to each other. No one is specific. Yes. We have stages. Right, absolutely. According to situation, we change. But try to understand. According to situation, we change not our personality, our mood and emotion, our reactions. Personality wahi rahegi. Try to understand. Isiliye, that is why we just say that we have to develop such a dynamic and charismatic personality. Charismatic personality. Charisma dikhana hai. Yeah. Haan, please. Ye bhi personality. Matlab. Theek hai. Okay. So that is what. Ab dekho, now what we need to understand. Ye which personality is this? Ye कम से कम देखो कि हिम्मत करके बीच में बोला है सब, या इन द क्राउड, यस, यू डोंट गो फॉर वॉश, डोंट फॉलो, आई डेयर, या आई डेयर्ड, सो एनीवे, ओरली आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इफ यू वांट टू डेवलप योर पर्सनालिटी, सी दैट यू हैव टू डेवलप योर पर्सनालिटी थ्रू योर कम्युनिकेशन, थ्रू योर फोकस, थ्रू योर मेंटल एप्टीट्यूड, थ्रू योर बिहेवियर, नेचर, कैरेक्टर, यू नो, टॉकिंग स्किल्स एंड योर स्माइल एंड एवरीथिंग इज एक्चुअली इंटरकनेक्टेड, राइट, each other. So keep it and make yourself that kind of dynamic and charismatic that everybody, you know, khicha chala aaye, aisa karna hai, right? Achha, theek hai, that's absolutely fine. Okay, now agar aapko teen kamiyan nikalni ho ki ye teen kamiyon se agar kaam khatam ho jaye, matlab ye teen kamiyan khatam ho jaye, to I will be number one, matlab fantastic. वो बताइए, तीन कमियां बताइए जल्दी से, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, मॉड्यूलेशन, ये आपकी हो गई पर्सनैलिटी और पब्लिक स्पीकिंग इंटरकनेक्टेड, ओके, तीन कमियां प्लीज, तीन कमियां जल्दी से, बॉडी लैंग्वेज, ओवर थिंकिंग, वेट मिस्टर आशीष, हाँ, निगेटिव, ओवर थिंकिंग, बॉडी लैंग्वेज, हाँ, यस प्लीज, शाइनेस, कॉन्फिडेंस, इंग्लिश स्पीकिंग, फाइन, एंड व्हाट अबाउट अदर पीपल, प्लीज, शॉर्ट टेम्पर्ड, ओवर थिंकिंग, negative thoughts, okay, and critical thinking, you are lacking critical thinking, lacking, yes, means what to respond in that, but okay, how to respond that, you are lacking in that actually, okay, fine, yes, I'm lazy, lazy, and I'm not serious, not serious, and go with flow, go with the flow, that's what you have accepted and confessed, right, and that is what your personality is developing now. At least you have confirmed. Yes, please, Abhishek. Ah, yes, Shahid. So, first, body language. Body language. Second, speak. Speaking. And the third, connect. Connectivity with the people. Okay. Procrastination. Consistency. Try to know each and everything in a team. You try to know. That is. Need to remove it, get it off. Okay, fine. Everything you try to go in the deep. Okay, fine. Pronunciation. You can't speak the same thought, whatever the thought is in your mind. Okay, and the third point? Body language. Okay. Yes, please. Procrastination. Thinking more. Rather than doing. Okay. Modulation. Wife modulation. Okay, fine. Great. Perseverance. Lack of perseverance. Yes, sir. Lack of perseverance. Cognitive abilities. Cognitive ability, you're lacking in that. Okay. And perception towards anyone. You make other perceptions, like you judge people. Yeah. Okay. Yeah. So judgmental. You are judgmental. Okay. Fine. Confidence. Like lack of confidence. Yes, hesitation. Thoughts. Short-tempered. Thoughts. Like hesitation. Communication. Persistency. Thoughts. Hesitation. Eye contact. Confidence. Overthinking.
Speaking skills. All done. Abhishek, three weaknesses in your personality. So confidence, so hesitation, so fumbling. Fumbling. What a positive confession. Right. Okay, everybody. So everybody has actually told honestly, right, that you are lacking all these points and things right in you. And that is what I would like to say, that now you are really a very positive person. Confessing and accepting your negative aspects of life is the best part of your mental thinking and the power. I think you all are developing your personality because you have accepted your weakness. And everyone has done it here. That's the best part. Now, I will say that this class is an aura or your own level. No, in truth, this hall is a मेरा ऑरा है या ट्रेनिंग का ऑरा है या एक आपका रियल में बोथ कॉम्बिनेशन राइट तो ठीक है दैट इज फाइन चलिए बहुत बड़ी चीज है ये चार लेटर का वर्ड ऑरा इसकी हिंदी छोड़ो इसका ये मतलब है कि एक माहौल बिखेर देना एक अपनी छवि किसी पे डाल देना एक एक वाइब क्रिएट कर देना और इन फ्रंट ऑफ एनवायरनमेंट यस और आवाज में दम है सीधा कैसे नहीं आवाज और सब कुछ मिला के एक आवाज में कुछ भी हो जाए हां ओवरव्यू चल बहुत जैसे मान लो कि कोई चल रहा हो कोई कैरेक्टर वो इन साइड और इतना पॉजिटिव कितना पॉजिटिव क्या मजा आ गया राइट लाइक दिस ओके ऐसा कुछ अभी जैसे फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी भाई आ रहे हैं और उनका कम उनके बिजनेस का ज्यादा है वो भी एक पर्सनालिटी है अभी मुकेश अंबानी को हम क्या कहते हैं पर्सनालिटी है लेकिन हम उनकी बॉडी को नहीं कहते उनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज को कहते अमिताभ बच्चन पर्सनालिटी क्या आवाज में दम अंदाज फ्रेंच बियर्ड लंबा बॉडी सलमान खान शाहरुख खान राइट अब मतलब एक सबका एक अपना ऑरा है अब्दुल्ला सर राइट मतलब तो ये ऑरा अपना अपना है ठीक है टाइगर श्रॉफ हाँ तो टाइगर श्रॉफ वो वाला एक किक उछल के मारने वाला ओके तो आप उसका भी एक अपना ऑरा है डांस ये वाला एनीवे बाकी श्रद्धा कपूर का है नाचू मैं आज छम छम वो उसका अपना ऑरा है राइट ठीक है तो एनीवे सबका अपना ऑरा है और आप लोग भी अपना ऑरा बनाइए एनीवे मैं आपको आई वुड लाइक टू गिव यू टू मिनट्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चन राइट आफ्टर दैट वी विल मूव फॉर अनदर सेगमेंट टू मिनट्स लास्ट ऑफ द सेशन Anything? Certainly my aura. Your aura. And if you have asked, so generally I would like to tell you, your aura, Pooja, is really very positive. I find it very positive. So you are very connecting, helping, and positive talking person. तो ये मैं better नहीं कर रहा हूँ, as a teacher बता रहा हूँ कि तो your aura is positive और इसको बरकरार रखना बल्कि और develop करना. You develop it. Yes. Yes. Mr. Rahul, your aura is also really very good because you try to help everyone, try to tell everyone. और थोड़ा सा एक point कभी कभी आता है जैसे कि when you speak तो आपके अगल बगल जो बैठा हुआ होता है थोड़ा आपको उनको भी encourage करना चाहिए बोलने के लिए ज़्यादा ये कहीं कहीं थोड़ा सा point मिलता है बाकी your aura is absolutely amazing. You are very positive person. Srishti, overthinking तो आपकी बहुत कम हो गई देखो यहाँ आने से सच बता रहा हूँ लिटरली बहुत कम हो गई और मैं ये कह सकता हूँ प्लीज क्लैप फॉर हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट तो देखो मैं हकीकत बताऊंगा तारीफ के लिए नहीं बता रहा हूँ ओवर थिंकिंग सृष्टि की बहुत कम हो गई जो मैं अभी एनालिसिस कर पा रहा हूँ द फर्स्ट डे शी केम फॉर अ डेमो सेशन आई फाउंड हर ओवर एंड ओवर एंड ओवर थिंकिंग पर्सन कंफ्यूज एंड नाउ शी इज बैलेंस्ड तो अभी आपका जो ऑरा आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है स्माइलिंग आ रहा है और मेन चीज मैंने देखा ना एक्सेप्टेंस बढ़ गई है जैसे मैंने कल एक डिसीजन दे रहा था कि साहिल को मुझे सिलेक्ट करना था या ऐसा कुछ इनके चेहरे पे कोई भी एक तरीके की शिकन नहीं आई तो दिस इज द पॉजिटिव एटीट्यूड आई कोड से कि ये पॉजिटिव बल्कि इन्होंने कहा भी सर मुझे आपको नहीं देना चाहिए था आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट तो ये एक पॉजिटिव इंसान कर सकता है दैट्स अ बेस्ट थिंग Party. Negative thinking. First, why library? So much. Right.
लाइब्रेरी में सोने वाला इंसान दिक्कत करेगा. वो क्या है ना कि नेगेटिव थिंकिंग इज ऑल अबाउट इट्स डिपेंड ऑन द स्लीप. सर एक्चुअली ना ही मस्ट बी ना टॉक टू एवरीवन. दैट्स अ वेरी ही अवॉइड्स एवरीथिंग. दैट्स व्हाई नेगेटिव थिंग्स आर कमिंग इन. दैट इज आल्सो अ वेरी लॉजिकल पॉइंट. द मेन थिंग इज दैट मेंटल कैपेसिटी. हम कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग आ गई है सिचुएशन से. सिचुएशन तो आपकी लाइफ में कुछ है ही नहीं. यूपीएससी अभी आपका 2025 में है, 26 में है. तो नेगेटिव थिंकिंग कहाँ से? कुछ है ही नहीं सिचुएशन. बट ये है माइंड की कैपेसिटी. यहाँ तक कि आप जो है चाय भी पियोगे जुबान जल जाएगी, नेगेटिव हो जाओगे. We didn't enjoy the moment at that time. That is what. So please develop your mental aptitude, right? Go for morning walk, be exercise, be happy, talk to everybody. Yes, try that. I do yoga and exercise also. You have started, na? I feel happy, na? That's fantastic. एक आपने वर्ड ही बोली थी, जो इंसान होता है, हम बुक्स ढूंढते हैं कुछ समथिंग. हाँ, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है सच में. हाँ बहुत. हाँ सही बात है. अवधेश को देखो याद, अच्छी बात है. जब इंसान आपके पास हो तो किताबें ना खोलो, इंसान को खोल के पढ़ो. Right, very nice. Yes. Sir, what you told us him today, I told him yesterday. Ma, that is the nice point. You should follow. The library वाला आपने बोला था ना? हाँ हाँ हाँ. वो मुझे इसके face पे लिखा था परसों. हाँ हाँ, वो किताबें छपी हुई नजर आ रही थी. Sir, वो ना एकदम अजीब से face हो गया था उसके award देने के बाद. तब मैं समझ गई थी. अच्छा 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 हाँ. Acceptance होनी चाहिए हम सब लोग पास. नहीं राहुल वो अवार्ड के बारे में नहीं सोच रहे थे. राहुल अपनी स्पीच के बारे में सोच रहे थे. और सही बात है, गलत तो हो गई थी उस दिन थोड़ा सा. अरे भाई तुम बहुत अंजीर खा लिए हो. हम तुमसे इंस्पिरेशन लेके थक गए हैं. थोड़ा अंजीर खाते हो? सच बताओ. ले आओ मेरे लिए कल. सर पानी में डालना पड़ता. मैं डाल दूंगा पानी में. आई विल दो चार लेके आना, ज्यादा नहीं. दो ही खाते हैं. दो ले. दो तीन बस. ठीक है ले आओ. फिर वर्कआउट भी करना पड़ेगा. हां आई विल डू दैट. सर दीवार तोड़ दोगे आप? चलो ठीक है. ओके लास्ट वन मिनट. सर व्हाट अबाउट माय ओरा? वॉइस मॉड्यूलेशन का. हां अच्छा. हाँ वो वाला. अच्छा ठीक है, वो वाला भी करवा देते हैं. कई सेगमेंट है ना, अभी ये भी जरूरी था. हाँ ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से हमें सही होना है. और फिर वो वाला वॉइस मॉड्यूलेशन वाला भी कराते हैं. तीन चार दिन करवा दें. चलिए करवा देंगे. हम तो बिना सिलेबस के टीचर हैं. आपके हिसाब से चलते हैं. चालू हो जाएगा तभी मजा आता है ना. हाँ पहले से पता रहा डू डस्ट पढ़ाएं. Thank you so much, everyone. May God bless you, and you are so much confident and focused personality. And now, tomorrow, we will have a GD session. कल हमारा एक GD session होगा. पहले हम voice modulation कर लेंगे, जैसा कि आप लोगों ने कहा है. GD session होगा हमारा stream choice. बहुत बड़ी confusion रहती है students में. Stream choice. It's a big confusion. Sir, stream to leave.